भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल्स जीते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का डबल खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। मंगलवार को उन्होंने विंबलडन में मिक्स डबल सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनके साथ क्रोएशियाई साथी मेट पाविक है। सानिया ने कहा था कि टूर्नामेंट के बाद वो टेनिस से संन्यास ले लेंगी। आइए आज हम आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़े 6 विवादों के बारे में जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। 8 सितंबर 2005 को सानिया मिर्जा के खिलाफ टेनिस मैचों के दौरान शॉर्ट स्कर्ट पहनने को लेकर फतवा जारी किया गया था। उन्हें अपने पहनावे के लिए कई सेक्सियस टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। इन सभी आरोपों के बावजूद उन्होंने 2005 में यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के 4th दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनकर अपने देश को गौरवान्वित किया था। 2007 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सानिया के खिलाफ मस्जिद परिसर में घुसने और शूटिंग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शूटिंग के कारण स्थानीय लोगों, कुछ मौलवियों और कार्यकर्ताओं की कई नाराज प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि खिलाड़ी ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। 2008 में सानिया पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप भी लगा था। दरअसल उन्हें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बगल में एक टेबल पर पैर रखकर देखा गया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिंह ठाकुर ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के लिए समन किया गया था। सानिया मिर्जा ने अपने बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा को डेट किया और 2009 में हैदराबाद में उसे सगाई की थी। हालांकि 6 महीने के बाद दोनों अलग हो गए और साथ ही सगाई तोड़ दी। सोहराब के साथ सानिया के सगाई के बाद कहा जा रहा था कि वो शादी के बाद टेनिस छोड़ देंगी। बाद में उनके पिता इमरान मिर्जा ने कहा कि सगाई तोड़ना आपसी फैसला था और उनके करियर का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। सानिया मिर्जा और बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के अफेयर की चर्चाएं भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी थी। करण जौहर की टीवी शो कॉफी विद करण में शाहिद कपूर के बारे में सवाल किए गए तो सानिया ने कुछ अजीब जवाब दिए, जिसके बाद ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि दोनों के बीच अफेयर है, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। सानिया मिर्जा की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद तो उनकी शादी को लेकर हुआ, जब उन्होंने 2012 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। उनकी शादी से भारत और पाकिस्तान में खूब बवाल हुआ था। न केवल उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाए गए। सानिया मिर्जा उन दिग्गज हस्तियों में से एक हैं जो अपने फैन से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करती आई हैं, और इसीलिए वो आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर भी करती हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए माई स्पोर्ट्स टाइम।